सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? के स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। अब देखो, अक्सर मैं रोज़ किचन डिनर्स कर ही लेता हूँ, आज भी करे थे आई नो, बट ज़्यादातर मैं वही दिखाता हूँ जिनमें मैं जीतता हूँ, बढ़िया परफॉर्म करता हूँ। लेकिन आज देखना तुम, आज कोई भी मैच मैंने जीता है नहीं, और हाँ बढ़िया परफॉर्म करा है, लेकिन बस एक गलती और मैच खत्म, ऐसा कुछ होने वाला है। बहुत सारे बंदे आ चुके थे, ज़रा सुनो भाई साहब, भर के फुटस्टेप्स आ रहे थे। बाहर की तरफ भी देखो दो बंदे थे, तो पहले मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया जिससे मेरा टीममेट नॉक ना हो जाए। और हाँ, उसको मैंने बचाया तो नहीं, एक तरह से वो खुद भी अंदर की तरफ चला जाता, लेकिन यहाँ पे मैंने अपने सारे किल सिक्योर कर लिए। नहीं, गलती कर दी मैंने, सारे नहीं, सिर्फ दो ही किल सिक्योर हुए हैं। जो सबसे पहले नॉक कर रहा था उसका किल मुझे नहीं मिला, और वो यहाँ होता है। ओके, ये बंदा भी देखो नॉक हुआ था, मुझे लगा भाई पूरा फिनिश हो जाएगा, क्योंकि मतलब दो बंदे में मार चुका था, एक नॉक डेक रिवाइव करा, तो मैं तो ये समझूंगा ना पूरी टीम थी। पर जो भी हो, एक तरह से पूरी टीम जीतने, चार किल्स मुझे मिल चुके थे, बट स्टिल मुझे डाउट था कि मैंने जिसको नॉक कर रहा था वो ये रहा। मुझे ना देखो इसकी आउटफिट याद थी कि हाँ, मैंने जिसको फर्स्ट टाइम देखा था, एकदम से नॉक करा था, उसकी कुछ ब्राउन कलर की आउटफिट थी। तो बस तुम्हारे भाई की नो यादाश्त इतनी कैडी है, और पांच के यहाँ पे हो जाते हैं। कितना ऑसम स्टार्ट मिला है ना। और इतना ही नहीं, देखो जिस तरह से फुटस्टेप्स आ रहे थे, मुझे लग रहा था कि हाँ अभी भी और बंदे बच रहे होंगे, तो मैं थोड़ा यहाँ पे ट्रिपल स्टोरी छोड़ो, कोई ना कोई तो अंदर, पर ये बोट होता है यार, हद है कसम से। कभी कभी बोट इतने ज्यादा रियलिस्टिक लेंगे ना, मैं बता नहीं सकता। फिलहाल यहाँ से पीपी भाईचान मैंने उठा ली, क्योंकि वीएसएस बेवकूफ नहीं है अपून, मैं गया ट्रिपल स्टोरी के पास, और यहाँ कुछ फुटस्टेप्स आते हैं। अब मेरे को डर था यार, बंदा कैंपर है, मेरे को मार रहा था, तो पहले मैंने टॉप पे देखो स्मोक फेंका, मैं समझ नहीं पाया था एग्जैक्टली बंदा किस फ्लोर पे था। मेरे ख्याल से ऊपर, हाँ ऊपर ही था, ऊपर से अंधा हुआ तो बंदा नीचे की तरफ आ जाता है, और भाई कोई नहीं, बच गया। पर टीपीपी तो ये ले रहा था, पर एसएल क्या नहीं थी इसलिए मैं बच गया। अब मुझे लगा ठीक है, इतने मतलब बंदे इतने आ ही जाते हैं कभी कभी थर्ड में, तो बढ़िया स्टार्ट मिल चुका है। अब जल्दी से ना स्की करके भाई गाड़ी लेंगे अपनी, आगे से गेम प्ले को बढ़िया बनाएंगे, पर मेरे को वापस रिवर्स गियर लगाना पड़ता है। मतलब जस्ट मैं कूदा ही था, स्की करके उड़ी रहा था, इतने में भाई साहब गोलियों की आवाज़ आ जाती है, तो मैं वापस से मुड़ लेता हूँ पीछे की तरफ। ट्रिपल स्टोरी की तरफ फाइट हो रही थी, तो मैं उस तरफ गया, कोई कोई बंदा एसके चला रहा था, पीपी भाईजान चल रही थी, पर वो देखो एक बंदा मुझे भागता दिखता, हील करता हुआ। बंदे को मैं इंस्टेंट फिनिश देना चाह रहा था, लेकिन मैंने वेट कर लिया, क्योंकि देखो दो बंदे लड़ रहे थे, क्या पता वो हमको बुलाए रहे हो, पोक कर रहे हो, पर ऐसा नहीं होता, ये अलग टीम थी, उसने उसको मारा और मैंने इसको मार दिया। अब मैंने सोचा ठीक है भाई, अब इसका क्रेट वगैरह लूट लेंगे, पर सामने आपको एक डांशा दिख चुकी होगी और वो रुक चुकी थी। मुझे लगा भाई सारे लीड कर स्प्रे ना मार दे मेरे, पर नहीं, इनको शायद पता ही नहीं कि हम इस तरफ है। देख रहे हो ये बंदे निकल रहे, तो मैंने थोड़ा पोक करा कि भैया जी थोड़ी तो अटेंशन दो यार, मतलब बिल्कुल सामने तुम्हारे, फिर भी इनको दिख नहीं रहा है, तो मैंने गोली चला दी मेरे टीममेट ने भी। अब ये बंदे थोड़े उत्सुक हो चुके थे, और इनकी उत्सुकता देखना किस चीज में बदल जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, इजीली इन लोगों को यहाँ पे मारा, इनकी तो पूरी स्क्वाड होती ना तो भी स्वाद आ जाते भाई। लेकिन कोई नहीं, एक तरह से कहा जाए तो थर्डल से मेरे डबल डिजिट किल हो चुके हैं यार, थर्डल नहीं कह सकते क्योंकि ये ब्रिज ना थर्डल से काफी अलग है। फिलहाल जो भी हो, गाड़ी लेकर अब मैं इस तरफ आ चुका था, मैं एक नई गाड़ी ढूंढ रहा था, तुम लोग नीचे देख सकते हो क्यों ढूंढ रहा था, क्योंकि फ्यूल नहीं था भाई मेरे पास। पर यहाँ पे मेरे को टूटी फूटी गाड़ी दिखी, तो मुझे लगा क्या पता यहाँ पे आरपीजी वगैरह से हमला हुआ हो, तो मैं देखो गाड़ी बिल्कुल रोकता नहीं हूँ, मैं भगाता रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगा क्या पता शैक में बंदा छुप रखा हो। पर सामने मैंने देखा डाशे में बंदा, भाई साहब आगे की तरफ दो दो यूएस, एक ये गई और एक आगे घरों की तरफ लग रखी है, तो मैं समझ गया था भाई यहाँ पे बिल्कुल फायदा होने वाला है, गाड़ी रोकते हैं। और ये कहाँ से पड़ी समझ नहीं आया भाई, कसम से समझ नहीं आया। मैंने देखा भी उस पीले वाले घर की तरफ, पर वहां पर कोई बंदा नहीं था, हाउ कहाँ से पड़ी मेरे को, बट इट्स ओके, मेडकिट लगाते हैं और इन बंदे को अब देखते हैं। नीचे की तरफ एक बंदा था, और मेरे को बस ये डर था यार, जो पीले वाले घर की तरफ से मेरे को पड़ी थी ना, वहां से ना पड़ जाए, इसलिए मैं ओपन में बिल्कुल जा नहीं रहा था। मैंने सोचता ये घर को होल्ड करते हैं, बंदे को हमारी पोजीशन का पता है, और तो हम जैसे निकलेंगे इजीली कहीं ना कहीं से पड़ सकते, तो अंदर की तरफ कवर में ही रहते हैं। एक मैंने स्मोक भी फेंकी थी, क्योंकि आप लोग सुन पा रहे होंगे भाई बंदे तो काफी है, कहीं कहीं से पड़ रही है, मतलब चार पांच बंदे भर के हैं। अब तुम्हें पता ही है मेरे से ज्यादा देर तक भाई कवर में रहा नहीं जाता, तो मैं यू नो सेमी कवर लेता हूँ कि हाँ कवर भी रहेगा और हल्का सा एक्सपोज भी कर दूंगा मैं खुद को। मैं बस देख रहा था यार कहीं से दिख जाए बंदे, भाई है कहाँ, देखो नेड़ आया था ऊपर, मैं सही टाइम पे नीचे आ गया, हो थैंक गॉड। लेकिन मेरे को बस फट रही थी मेरी, पर फटी हालत में मैंने एक बंदे को तो नॉक कर दिया। अब देखना एक और बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं मेरे को, ये देखो बिल्कुल मेरे सामने ही आ चुका है वो, और इसके मुंह पे मैंने दरवाजा बंद करा भाई साहब, और देखो बंदा बेइज्जती फील कर लेता है, यू ना खोल के आ जाना ना घूम के आया है।
और मैं सोच रहा है इतने सारे बंदे लग रहे थे मुझे, क्या सिर्फ दो ही बंदे थे? ये दो बंदे पीछे से कब आ जाते हैं भाई, कुछ पता ही नहीं चला मेरे को। लेकिन मैंने देखो इतना एम कर देते बंदे को, नोक हो जाना चाहिए था, पर पता नहीं क्या ही सीन हुआ। ये मैच में मैं वापस थर्ड रेल में ही आया था, और ये वाला मैच देखना भाई पिछले मैच से काफी हद तक सेम होने वाला है, मतलब बिल्कुल सेम नहीं होगा, लेकिन हाँ इसमें बहुत सारे किल्स निकल जाएंगे थर्ड रेल में ही। मेरे को देखो टॉम्बी वगैरह मिल चुकी थी, और सामने की तरफ ये देखो इस कैमरे में आपको बंदा दिख चुका होगा, तो इसके पीछे मैं पड़ चुका था। अब मैं देखो इसको फिनिश नहीं करना चाह रहा था, लेकिन भाई टीममेट के मच गई चुल, कोई बात नहीं। अब और भी फुट से पा रहे हैं, मतलब बंदे हमारे इस वाले बिल्डिंग की तरफ आ रहे हैं अपने टीममेट का बदला लेने के लिए। ये देखो मैं बाहर की तरफ गया और अंदर की तरफ एक बंदा निकल जाता है, कोई नहीं ये वाला किल अपने टीममेट के बाटे में गया। और अब देखना मैं यहाँ छुप जाता हूँ, कोई ना कोई इसको पक्का रिवाइव करने आएगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप भी चाहते बंदा अंदर, और टीममेट इसको भी नॉक कर देता। भाई साहब टीममेट को नॉक होना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को किल्स नहीं मिलने वाले। ग्रेनेड मैंने टॉस करा, और आई थिंक ना एक और बंदा अंदर की तरफ आने वाला था, और ये ग्रेनेड उसी के लिए पकड़ा है। आने वाला था, छोड़ो भाई वो आ चुका था, एक और है बाहर की तरफ। बढ़िया इसको नॉक कर दे, नहीं तो टीममेट भाई कतई अग्रेसिव मूड में है। चलो तो बॉस यहाँ पे तीन किल तो मेरे हो जाते हैं, जल्द से मैंने यहाँ से M4 उठाई, क्योंकि ये वाली शॉटगन भाई मेरे को बहुत गंदी लगती है। इधर पे एक और बंदा है, और जरा देखो भाई के पास गन कौन सी है। कोई नहीं यार, किस्मत किस्मत की बात है, भाई को VSS मिल गई होगी, लेकिन हल्के मतलब यार एक्सटेंडेड मैक के साथ थी, तो उस बंदे की गलती थी, वो मर गया। नहीं तो यार 20 गोली इनफ तो नहीं होती, पर हाँ स्ट्रगल लगता है थोड़ा सा। इट्स ओके, अब इस बंदे की बारी। काजल के साथ यहाँ पे पूरा थर्ड किल हो चुका था, इसमें भी देखो ऑसम स्टार्ट मिल चुका था। अब तुम लोग सोच रहे हो ऊपर इतने सारे किल्स कैसे हो गए, तो यार समझ जाओ बस बोट थे वहाँ पे, लपेट थी तुम्हारे भाई ने। अब मैंने अपने टीममेट को बैठाया और मैं गाड़ी लेकर निकल चुका था यहाँ से कि भाई निकलते, बट अचानक से एक बाइक की आवाज़ आई और उस बाइक पे थे दो बंदे सवार। मैंने सोचा भाई इनके मारेंगे अड्डा स्प्रे, और स्प्रे गया भी, इतना कैडा नहीं था बट गया। और ये देखो इनकी पूरी टीम है, मैंने मतलब चारों बंदे स्पॉट कर लिए थे। देखो एक बंदा तो उस ब्लू वाले घर में था, एक बंदा ये SK चला रहा था, और दो बंदे तो बाइक पे गए थे, टोटल हो गए चार। तो भैया कैलकुलेशन बड़ी कैडी लगाई मैंने। अब मैंने सोचा था कि एक को तो मैंने शायद से नॉक कर दिया है, करा भी है नॉक, नहीं मैंने किसी को नॉक नहीं करा, पर हाँ सारे लो जरूर हैं एक दो बंदे। ये बंदा गजब था, इसके तीनों टीममेट्स मतलब कवर में है अंदर। भाई साहब अभी तक भी बिल्कुल ओपन में थे कि ना भैया हम दो बंदों से लड़ेंगे, यार पूरी टीम थी इजीली ये मार सकते थे, बट अभी भी तीन बंदे हैं ऊपर की तरफ, यू नो ये कर सकते हैं कुछ ना कुछ, पर मेरा ये ग्रेनेड कर देगा बहुत कुछ। बहुत ही सही, अब तो बड़ी आसानी से हम इनको मार सकते हैं। और भाई ये बंदे प्रो भी थे और एक तरह से नूब भी थे। प्रो इसलिए थे क्योंकि इन पास एक गन थी और एस्टल के चलाना भी एक तरह की स्किल है, और नूब इसलिए थे क्योंकि अगर इन पास असॉल्ट राइफल होना तो ये मूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है एस्टल कैसे घंटा कोई मूवमेंट करता है भाई, खड़े खड़े मारना होता है। मैं बता रहा भाई गेम में ना ये बंदे बिल्कुल ही असॉल्ट राइफल चलाना भूल चुके हैं। फिलहाल मैं गाड़ी लेकर निकल चुका था आगे की तरफ, फ्यूल बहुत कम है गाड़ी में, पर आगे गाड़ी मिल चुकी थी जिनको मार के हम उनकी गाड़ी ले सकते हैं, बट अभी इनको मार लें। ये भाई सीधे जाया जा रहे थे, इनको पता भी नहीं हम इनके पीछे की तरफ है। और इसका किल मुझे क्यों नहीं मिला भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, मतलब गजब सीन होते हैं। फिलहाल ये देखो कितना कमाल का मैंने नॉक करा था भाई, थर्ड में बंदा इतना सही स्प्रे गया था, पर थर्ड पार्टी हो जाती है, मैंने वहीं से ओम पड़ी और यहां से फिनिश कर दिया मेरे को। किल चोर का आज किल चोरी हो गया, कोई नहीं यार नहीं करता किचन डिनर। आगे एक मॉन्टेज होगी वो आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों से कल मिलता हूं। अगर आप लोग यहां तक वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, गुड बाय। All that and one keeps you
you up and now, yeah. Make all the demons quiet, yeah.